ब्लास्ट केस में आरोपी कर्नल पुरोहित की मदद के लिए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर सामने आए हैं। पर्रिकर ने आर्मी से कर्नल पुरोहित को वो सभी कागजात मुहैया कराने के लिए कहा है जिसकी वो मांग कर रहे हैं। पर्रिकर से खास बात की हमारे सहयोगी चैनल न्यूज एक्स के संवाददाता आशीष सिंह ने। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, कर्नल पुरोहित हैज रिटन टू लेटर्स टू यू, द लास्ट वन वाज ऑन April 4th। व्हाट इज गोइंग टू बी द एमओडीज एंड द गवर्नमेंट स्टैंड ऑन हिज रिक्वेस्ट दैट हिज honor should be restored? Ultimately, the matter is in the court, so it will be for the court to decide the merit of the matter. But I feel that he should be given opportunity to defend himself by providing him necessary documents. There is no reason why the documents which are provided to NIA, that he is a defense intelligence officer, okay, and that he worked for the defense. Because if we don't show that support, then I think it will be very difficult for any official to act under defense intelligence, okay, military intelligence. Military intelligence में जो काम करते हैं उनको तो उतना protection कम से कम देना चाहिए। okay. अभी बाकी मामले जो है वो NIA ने जो मामला उठाया वो कोर्ट को डिसाइड करने दो। लेकिन हमारे तरफ से मैंने कहा है कि छोड़ के नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न जहां आता है उतने शब्द ब्लैकआउट करके बाकी पूरे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के या अन्य डॉक्यूमेंट रहेंगे जो NIA को गवर्नमेंट ने दिए थे पहले वो उनको भी अवेलेबल करने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इंडिया न्यूज पे खबरें लगातार जारी है।